दही और चीनी से बनती है एक सिंपल सी मिठाई जिसे लोग श्रीखंड के नाम से जानते हैं, पर गर्मियों के सीजन में श्रीखंड की फैन फॉलोइंग कुछ ऐसी बढ़ जाती है कि भाई साहब आप बात ही मत पूछो। सो दोस्तों, इसीलिए आज हम आपको लेके आए मीठे के एक मेगा फैक्ट्री पे, जहाँ पे हर रोज ट्रेडिशनल स्टाइल से 1000 लीटर गाय के दूध से 500 किलो श्रीखंड बनाया जाता है। सो ये जो वीडियो है वो उन्हीं के लिए जो मिठाई के लिए ठीक हमारी तरह दीवाने है। दोस्तों, सबसे पहले एकदम फ्रेश फ्रेश ताजा ताजा डेयरी से 1000 लीटर दूध आ चुका है। तो सबसे पहले मशीन के जरिए दूध का फैट, SNF और वाटर चेक किया जा रहा है। अगर सब सही रहा तब जाके प्रोसेस आगे बढ़ेगी। सो यहाँ पे आप देख सकते हो फैट हो चुका है 7.9, SNF हो चुका है 9.9 और वाटर यहाँ पे देख रहा है 0, मतलब ना के बराबर है। सो दोस्तों, अभी यहाँ पे हमारा श्रीखंड बनने की शुरुआत हो चुकी है। सबसे पहले एक ऑटोमेटिक कढ़ाई के अंदर भैंस का दूध डाल रहे हैं। अभी ये कढ़ाई में एकदम हाई फ्लेम आ चुकी है। ये ऑटोमेटिक कढ़ाई के जरिए हमारा दूध उबलेगा और साथ ही साथ एकदम बढ़िया तरीके से मिक्स भी होगा। अभी यहाँ पे दूध का टेम्परेचर नाप रहे हैं। सो ये जो दूध है वो ऑलमोस्ट 90 से 100 डिग्री गर्म हो चुका है। ठीक 30 मिनट के बाद हमारे जो दूध है वो उबल के तैयार हो चुका है। आप देख सकते हो एकदम गाढ़ा हो चुका है। अभी इसको कम से कम 2 घंटे के लिए ठंडा करने के लिए साइड पर रख देंगे। सो यहाँ पे अभी उबले हुए दूध को कुछ इस तरह से ठंडा किया जा रहा है। सो दोस्तों, ठीक 2 घंटे के बाद हमारे जो दूध है वो एकदम मस्त ठंडा हो चुका है। ठंडे किए दूध को अभी दही के फॉर्म में कन्वर्ट किया जा रहा है। दोस्तों, ठीक 4 घंटे के बाद हमारे जो दही है वो परफेक्ट तरीके से जम चुका है। अभी इसको 2 बड़ी बड़ी खटिया के ऊपर डाले गए। सो खटिया के ऊपर सबसे पहले आ गया है कॉटन का कपड़ा। यहाँ पे एकदम ट्रेडिशनल स्टाइल से श्रीखंड बनाया जाता है, इसीलिए इसकी जो मिठास रहती है, इसीलिए इसका जो स्वाद रहता है वो एकदम नेक्स्ट लेवल का होता है। अभी जो टब में दही भरा पड़ा है उसके ऊपर से मलाई निकाली जा रही है कुछ इस तरह से। सो अभी दही को खटे के ऊपर डाला जा रहा है कुछ इस तरह से, ताकि दही का जो पानी है वो बाहर आ जाए। वाह भाई वाह, क्या मस्त दिख रहा है। आप देख सकते हो यहाँ पे मुझे तो देखते देखते मुंह में पानी आना शुरू हो गया। दोस्तों, आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताएगा कि आपको श्रीखंड में सबसे ज्यादा कौन सी फ्लेवर खाना पसंद है। अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे सबसे ज्यादा मैंगो श्रीखंड पसंद है। सो अभी दही में से पानी निकलने के लिए कम से कम 2 घंटे का टाइम लगेगा। अभी हमारे दही में से पानी ऑलमोस्ट निकल गया है, मतलब ना के बराबर है। आप देख सकते हो ये जो कॉटन है वो पूरे का पूरा सूख चुका है। अभी ये दही को एक टब में डाल रहे हैं। ठीक 4 घंटे के बाद हमारे जो दही है वो मस्का में कन्वर्ट हो चुका है। अभी इसको छलने से छीन रहे ताकि ये जो मस्का है वो एकदम क्रीम फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। वाह भाई वाह, क्या मस्त खुशबू आ रही है। नीचे आप देख सकते हो एकदम मलाईदार क्रीम आ चुका है। सो अभी हमारे क्रीम में चीनी मिलाई जा रही है। सो ये क्रीम में चीनी परफेक्ट तरीके से मिक्स हो चुकी है। अभी इसमें फ्लेवर ऐड की जा रही है। सो अभी यहाँ पे बन रहे हमारा आइसक्रीम श्रीखंड, इसीलिए ये क्रीम में आइसक्रीम डाला जा रहा है कुछ इस तरह से। वाह भाई वाह, 5 किलो के 3 वेलिन आइसक्रीम के बॉक्स डाल दिए। आप देख सकते हो अभी इसको परफेक्ट तरीके से मिक्स किया जाएगा। गाय के दूध को क्रीम में कन्वर्ट होते होते कम से कम 10 घंटे का टाइम लग चुका है। अभी इसमें फ्लेवर ऐड कर रहे हैं और इसके बाद इसको फ्रीजर में ठंडा करने के लिए 10 घंटे का और टाइम लगेगा। अब होगा असली खेल शुरू। अभी आइसक्रीम को क्रीम में मिक्स कर रहे कुछ इस तरह से। इसको मिक्स होने में कितना टाइम लगेगा भैया? 5 मिनट का टाइम लगेगा। ओके सही है। अभी यहाँ पे मैंगो श्रीखंड बनने वाला है, इसीलिए मैंगो के नेचुरल पल्प निकाल रहे कुछ इस तरह से। वाह भाई वाह, क्या मस्त दिख रहा है। आप देख सकते हो प्योर मैंगो है। अभी यहाँ पे मैंगो के नेचुरल पल्प को क्रश किया जा रहा है। ये अब हम इसमें डाल रहे हैं नेचुरल मैंगो के रस, मैंगो का रस डाल रहे हैं मैंगो श्रीखंड बनाने के लिए। अभी यहाँ पे हमारे मैंगो श्रीखंड बन रहा है। आप देख सकते हो ओरिजिनल नेचुरल मैंगो का पल्प डाले इसमें। तो दोस्तों, अभी यहाँ पे बनने वाला है अमेरिकन नट श्रीखंड। सो भैया, सबसे पहले हम क्या डालेंगे इसमें? सबसे पहले हम डालेंगे इसमें 1.5 लाख रुपए किलो वाला केसर। वाह भाई वाह,
ये हम डालेंगे केसर, ये देख रहे हो 1.5 लाख रुपए पर केजी वाले केसर डाल रहे हैं, क्या बात है भाई। अब इसमें क्या आएगा भैया? अब इसमें हम डालेंगे बादाम। वाह भाई वाह, बादाम भी आएगी इसमें? बादाम भी आएगी। ये आ गई इसके अंदर बादाम, वाह भाई वाह। अब क्या आएगा इसमें? काजू। काजू ले लो काजू। ये आ गए इसके अंदर काजू। अब क्या आएगा इसमें? अभी आएंगे ब्लैक चॉकलेट के नट्स। वाह भाई वाह, या गए इसके अंदर ब्लैक डार्क चॉकलेट। वाह भाई वाह, क्या मस्त दिख रहा है, मुझे तो देखते देखते मुंह में पानी आना शुरू हो गया है। ये मिल्क चॉकलेट नट्स। या गए इसके अंदर मिल्क चॉकलेट। या गए इसके अंदर जेली। ओ भाई साहब, आप देख सकते हो एक ही सेकंड के अंदर कितनी सारी चीजें डल रही है। अभी इसको परफेक्ट तरह से मिक्स किया जाएगा। यहाँ पे एक साथ 100 किलो अमेरिकन नट सिकल बन रहा है। वाह भाई वाह, क्या मस्त दिख रहा है। तो दोस्तों फाइनली ठीक 24 घंटे के बाद हमारा जो श्रीखंड है वो खाने के लिए रेडी हो चुका है। सो भैया अपने पास श्रीखंड में कितनी वेरायटी है? हमारे पास करीबन 15 से 16 अलग अलग वेरायटी अवेलेबल है। क्या बात है भाई, जैसे कि? जैसे कि ये है फ्रूट श्रीखंड है। इसकी प्राइस क्या रहती है? इसकी प्राइस रहती है 220 रुपये। सही है। और ये नेचुरल केसर श्रीखंड है, इसमें नेचुरल केसर डालते हैं ना, नो कलर नो फ्लेवर, ओनली फॉर नेचुरल केसर। और इसमें ड्राई फ्रूट डालते हैं, काजू बादाम इलायची किशमिश, फुल ड्राई फ्रूट से भरपूर रहता है ये। और ये आ गया हमारा राजभोग, ये हमारे यहाँ बहुत फेमस है, ये राजभोग, हमारा राजभोग श्रीखंड है ये बहुत चलता है। ये है अमेरिकन ड्राई फ्रूट श्रीखंड है, ये भी बहुत चलता है, ये बच्चों को बहुत अच्छा लगता है। इसमें चॉकलेट के नट्स और जेली वगैरह सब डालते हैं, इसलिए छोटे बच्चे को बहुत ये पसंद रहता है अमेरिकन नट्स। और ये है मावा बादाम श्रीखंड है हमारा ये। वाह भाई वाह, इसकी प्राइस क्या रहती है? इसकी 220 रुपये। ये है बटर स्कॉच आइसक्रीम श्रीखंड है, और ये आइसक्रीम बटर स्कॉच इसमें ऐड करते हैं। जी जी जी। और ये वेनिला आइसक्रीम श्रीखंड है, फुल ऑन क्रीम से भरपूर है, क्रीम से भरपूर है। इसकी प्राइस क्या रहती है? इसकी 220 रुपये। और ये ड्राई फ्रूट श्रीखंड है, ये इसमें काजू बादाम किशमिश पिस्ता इलायची सब इसमें अंदर ऐड करते हैं हम। इसकी प्राइस क्या रहती है? इसकी प्राइस रहती है 260 रुपये। और ये मैंगो श्रीखंड है, ये नेचुरल मैंगो का इसमें और पीस और रस डालते हैं। और ये आ गया ब्लूबेरी हमारा। वाह भाई वाह, क्या मस्त दिख रहा है। 220 रुपये प्राइस है ब्लूबेरी, ये छोटे छोटे बच्चों और सभी को ये पसंद ज्यादा रहता है ब्लूबेरी। वाह वंडरफुल, क्या मस्त दिख रहा है। हम यहाँ 400 से 500 किलो रोज श्रीखंड बनाते हैं और बेचते हैं, और सभी में नेचुरल रहता है, कलर फ्लेवर किसी में मिलाते नहीं है। और गांव में से जो दूध आता है 7.5 से 8 पेट का, वो सीधा हम इसमें से गर्म करके सीधा उसमें से ही बनाते हैं, मस्का में से नहीं बनाते हैं, दूध में से ही रोज फ्रेश श्रीखंड ये मिलता है हमारा। और बंगाली आइटम में भी हमारे पास घनी कई तरह की उसमें वेरायटी है, रसगुल्ला है, छेना टोस्ट जो हमने ये नया बनाया वो है, बंगाली आइटम में भी बहुत सारी हमारे पास है। और श्रीखंड में भी 16 से 17 फ्लेवर अलग अलग रोजाना मिलती है, 400 से 500 किलो रोज हम फ्रेश श्रीखंड बनाते हैं। दोस्तों अगर आपको भी हमारा तरह तरह की मिठाई खाना पसंद है तो ये जगह आपके लिए बेस्ट है। और भैया यहाँ का एड्रेस क्या है? रणछोड़ नगर नियर मानस स्कूल, जलाराम स्वीट एंड नमकीन, जूनागढ़। ओके भाई, थैंक यू।